क्या समझते हैं? अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना वारंट गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जा सकता था और जेल में बंद किया जा सकता था, उसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। देखिए हुआ क्या कि अपने देश में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लगातार कुछ न कुछ आंदोलन किए जाने लगे। सभी स्वतंत्रता सेनानी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने लगे कि हमारा देश गुलाम है, इसे आज़ाद करने के लिए हम लोगों को एक साथ होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब तक बिखरे हुए रहेंगे ना तब तक कमज़ोर रहेंगे, और जब हम सब एक हो जाएंगे ना तो हम लोग काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। उसी लकड़ी की तरह, जैसे 10-5 लकड़ियां हैं, पतले पतले लकड़ियां हैं, अगर वो अलग अलग हैं तो कोई भी उसको तोड़ सकता है, परंतु जब एक साथ गट्ठर बना के ये को दे देंगे ना तो तोड़ने में किसी बड़ा महा शक्तिशाली व्यक्ति को भी पसीना छूट जाएगा, ऐसा टूटे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो कहा था एकता में बल है, हम लोग बचपन में कहानी भी पढ़े थे, तो वो एकता में बल है, इसी के लिए हम लोग पूरे भारत के लोगों को एक साथ अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग मुकाबला कर रहे हैं, तो ऐसे देश आज़ाद नहीं होगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा? एक साथ एकजुट होकर एक बार प्रयास बढ़िया से करेंगे, एक बार की नहीं कितनी बार भी करना पड़े, अगर एक साथ करेंगे तो हमारा देश बिल्कुल आज़ाद होगा। अंग्रेजों को यह भनक लग गया कि भैया ये लोग रात रात भर किधर किधर करके प्लानिंग करता है और आपस में एकजुट होने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अगर ये एकजुट हो गया तो हमको हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ से उपनिवेश छोड़कर भागेंगे, यही एक रास्ता बचेगा। तो उन्होंने सोचा क्या कि कोई ऐसा नियम लगाएं जिससे इन लोगों को एक साथ होने का मौका ही ना मिले। तो उन्होंने लगाया रॉलेट एक्ट। इसमें क्या किया गया कि अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित कर दिया गया, 1919 में इसे पारित कर दिया गया, 1919 में देखिए, और कह दिया गया कि कोई भी भारतीय को अब हम क्या कर सकते हैं, बिना वारंट, मतलब वारंट नहीं देंगे। देखिए मगर रॉलेट एक्ट लग गया, इसके बाद किसी भी चीज़ का वारंट जारी नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट आएगा, गिरफ्तार करेगा, मुकदमा होगा आप पे। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहा है ना, आपको बताया भी नहीं गया है कि किस काम के लिए गिरफ्तार किया गया, आप 2-10 आदमी रोड पे खड़े हैं, अंग्रेज आए उसको लग गया कि सब आपस में मीटिंग कर रहा है देश को आज़ाद करने का, उसको लगे उसको सीधे गिरफ्तार करेगा, जेल जीप में बैठाएगा, ले जाएगा जेल में डाल देगा आपको, ऐसा नियम निकाल दिया। इसको काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, भारत के इतिहास में इसे काला कानून का नाम दिया गया है। काला कानून इसलिए क्योंकि इसमें सबको अंधेरा